हार्दिक पांड्या ने इतिहास रच दिया है। बुधवार 3 जुलाई को वो आईसीसी टी20 रैंकिंग्स टॉप करने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बन गए। 30 साल के हार्दिक ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कमाल का प्रदर्शन किया था और उन्हें इसका फायदा भी मिला। भारत ने इस टूर्नामेंट के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया था। शनिवार 29 जून को बार्बाडोस में हुए फाइनल में हार्दिक ने 3 ओवर्स में 20 रन देकर 3 विकेट निकाले थे। इस प्रदर्शन के दम पर भारत ने सफलता के साथ 176 रन का टोटल डिफेंड किया था। इससे पहले रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी। टीम इंडिया की शुरुआत ठीक नहीं हुई थी। इन्होंने 5वें ओवर की 3री गेंद तक 3 विकेट्स गवा दिए थे। रोहित शर्मा 9 रन, ऋषभ पंत 0, सूर्य कुमार यादव 3 रन बनाकर आउट हो चुके थे। अभी तक स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 34 रन चढ़े थे। लगा कि मामला बिगड़ जाएगा, लेकिन ओपन करने आए विराट कोहली ने एक एंड थाम लिया और उनका साथ दिया ऑलराउंडर अक्षर पटेल ले। अक्षर ने न सिर्फ विराट के साथ बढ़िया साझेदारी की, बल्कि इस साझेदारी में तेजी से रन जोड़ने का जिम्मा भी अपने सर पर लिया। अक्षर का विकेट 14वें ओवर की 3री गेंद पर गिरा। इन्होंने 31 गेंदों पर 47 रन जोड़े। अक्षर 106 के टोटल पर आउट हुए। अक्षर के बाद आए शिवम दुबे ने भी विराट का अच्छा साथ दिया। शिवम ने विराट के साथ मिलकर 57 रन जोड़े। विराट 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर आउट हुए। विराट ने 59 गेंदों पर 76 रन की पारी खेली, जबकि दुबे ने 16 गेंदों पर 27 रन बनाए। भारत ने 20 ओवर्स में 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए केशव महाराज और अनरिक नौरकिया ने 2-2 विकेट्स अपने नाम किए। जवाब में साउथ अफ्रीका की शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई। सिर्फ 7 रन पर रिजा हेंड्रिक्स और 12 के टोटल पर एडन मैक्रम आउट हो गए। इसके बाद क्विंटन डिकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स ने 58 रन जोड़े। 70 के कुल योग पर स्टब्स 31 रन बनाकर आउट हुए। 106 के टोटल पर डिकॉक भी 39 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन इसके बाद हेनरिक क्लासे ने अकेले दम पर भारतीय बोलर्स को कूटना शुरू कर दिया। इन्होंने 27 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली। इस पारी में 2 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। डेविड मिलर ने भी इनका अच्छा साथ दिया। क्लासे और मिलर मैच निकाल ही ले जाते, लेकिन हार्दिक ने इन दोनों के विकेट्स निकाल लिए और इंडिया को जीत दिला दी। मिलर ने 17 गेंदों पर 21 रन जोड़े। अंत में भारत ने मैच 7 रन से अपने नाम कर लिया। भारत के लिए हार्दिक के अलावा अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने भी कमाल किया। इन दोनों के नाम 2-2 विकेट्स रहे। हार्दिक ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का अंत 11 विकेट्स और 144 रन के साथ किया। टूर्नामेंट में रोहित के डिप्टी रहे हार्दिक ने 2 स्थानों की छलांग के साथ ताजा रैंकिंग्स में नंबर 1 की पोजीशन पर कब्जा कर लिया है। उनके पहले कोई भी भारतीय ऑलराउंडर यहां तक नहीं पहुंचा था। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।